Canadien! बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। ओए आप जावेद शेख साहब, और आप तू बैठा क्या कर रहा है, चल निकल। वो मोजर लोगों में तेरा क्या काम है? मैं होस्ट हूँ शो का यार। वो ताबश ना कर, तू होस्टल लगता है किसी ने सांप इस्त्री करके वहां रख दी। इजाजत हो तो मैं इधर बैठ जाऊँ शेख साहब। बैठो। चांद चांद के साथ आ गया, मैं दुआ तो सदके जावा। वाह ताबश है, तेनु तेरी कमजोरी मुबारक। माशाल्लाह कमजोरी में फर्स्ट डिवीजन लेता है जनाब। आपको किसी ने तो बताया होगा कि ताबिश की कमजोरी का, किसी ने तो बताया है आपको, खुद से तो पता नहीं होगा। कमजोरी से याद आया, भाभी कैसी हैं? भाभी ठीक है, तेरी तुझे उसकी फिक्र रहती है, अपना कोई ध्यान नहीं रहता। हम आपके बड़े ही फैन है। बड़ी मेहरबान। मोले जट की दुश्मनी तो नस्लों तक चलती थी ना जी, हाँ। आप दोनों की फैनशिप नस्लों तक जा दी। ये तो है, ये तो है, ये तो है। मेरी दादी बताती थी, वो भी बचपन में आपकी फिल्में देखती। बेड़ो साहब जनाब, आप तो चौदहवीं का चांद है। चांद ये भी है पहली तारीख, जो स्वाये दूरबीन या खुर्दबीन के नजर नहीं आता। और शेख साहब पता कौन से चांद है? माशाल्लाह। वो मोहल्ले में बुजुर्ग नहीं कहते हो, देखी को चांद ना चढ़ा दी। भाई आप यहाँ आए क्यों हैं? मैं छोड़ो, इनसे मिलने आया हूँ। गाड़ियों के बहुत शौकीन है, बहुत शौकीन है। बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी बेरोज भाई। बेरोज सर आप तो गाड़ियों के बहुत शौकीन है जी। और जावेद सर आप? इनकी गाड़ियां शौकीन है, इनके आगे पीछे बहुत गाड़ियां। वाह, इनके आगे पीछे गाड़ियां घूमती फिरती थी स्टूडियो में। वाह वाह वाह। मेरी बेगम इनकी बड़ी फैन है, आपकी वजह से ना बड़ी लड़ाई होती हमारे घर में। क्यों? मेरी बेगम कहती है कि तुम जो ना जावेद शेख जैसे रोमांटिक नहीं हो, और बेटा मुझे कहता है कि तुम जावेद शेख जैसे बाप नहीं। अब बताए मैं किधर जाऊं? भाई आप भाभी से तो पूछे ना, जब उनको रोमांस वगैरह उनको आता होगा, उनसे पूछ के देखे ना, उनको पूछे। यार ओदी तेनू इन्नी फिक्र क्यों रहती है, जब ब्याह थी ये क्यों पीछा करना होगा? कोई तो फिक्र करेगा ना, कोई तो फिक्र। चले जुवेद भाई, हाँ बस बातें करते रहना। आपसे मिलकर जनाब बहुत खुशी हुई। ओ बड़ी मेहरबानी जनाब। अच्छा खा। आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। जीवंदा। अच्छा आपको ये पता था कि आप जिस प्रोग्राम पे जा रहे हैं उसका एंकर ताबश है? नहीं, तभी आप फंस गए। अच्छा पहलवान साहब, हाँ जी, भाभी को सलाम दीजिएगा।